बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्ला। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पूरी कौम मुआशी बहरान का शिकार है। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान ने आवाम के लिए ज़बरदस्त फैसला किया है और फौरी तौर पर कम अज़ कम 100 अरब रुपए की तकसीम करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम में बड़ी तब्दीलियों का फैसला किया है और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा नौजवानों को कर्ज देने की हद को 5 करोड़ तक करने का फैसला कर लिया गया है। प्रोग्राम के मुताबिक रकम की तकसीम के लिए 4 किस्म की कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी 1 से 5 लाख तक की होगी, जिसमें माइक्रो फाइनेंसिंग की जाएगी। गांव, देहात और यूनियन काउंसिल की सतह पर रकम की तकसीम की जाएगी। दूसरी कैटेगरी में 10 से 20 लाख तक की रकम बगैर सिक्योरिटी के फराहम की जाएगी। तीसरी कैटेगरी में कर्जा की हद 20 लाख से 2.5 करोड़ तक होगी, जबकि चौथी कैटेगरी में 5 करोड़ तक का कर्जा आसान शराइत पर दिया जाएगा। 15 जून तक इन तमाम कर्जों की मंजूरी ले ली जाएगी।